वो कौम की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी क्या थी इसका हिसाब देना पड़ेगा। इसका हिसाब नहीं देना है कि आपने नमाज कितनी पढ़ी थी, कैसे पढ़ी थी, ये तो हिसाब आपको आखिरत में देना है। ये आपसे या दुनिया के अंदर इसका हिसाब नहीं होगा, इसलिए रखा ही नहीं यहाँ पर। कोई नमाज नहीं पढ़ता, आप कह सकते जबरदस्ती किसी को नमाज पढ़ाने का हुक्म नहीं कि मार के पढ़ाओ, जबरदस्ती किसी को रोजा लगाने का हुक्म नहीं। आपको हिसाब ये सब आखिरत में देना है, लेकिन यहाँ जो आपको देना है कौम का जिम्मेदारी, जो कौम की जिम्मेदारी उसका हिसाब आपको देना है।